ओके, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ SCV2, क्वेश्चन नंबर 51 to 60, चैप्टर नंबर 31, कैपेसिटर्स। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन एंड एरिया इज आल्सो गिवन एंड देन 0.4 सेंटीमीटर थिक मेटल प्लेट इज इंसर्टेड into the gap with the faces parallel to the plates, show that the capacitance of assembly is independent of the position of the metal plates within the gap and find its value. All right, तो देखते हैं इसमें फार्मूला क्या होता है। जब मेटल प्लेट डालते हैं तो d माइनस t होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t, d इज दैट गैप बिटवीन द प्लेट, टी द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट। तो इसमें कहीं लोकेशन नहीं आ रही, कहीं भी डालो डजन मेटर, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन होती है ना। तो माइनस हो जाएगा उतना और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, उतना गैप माइनस हो जाता है ना। तो इट विल पुट द वैल्यूज, विल गेट 88.5 नैनो फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 52। कैपेसिटर stores this much of charge when connected across the battery when the gap between the plates is filled with dielectric charge of this much flows through the battery, find the dielectric constant of the material। तो पहले without पहले charge दिया है जिस समय dielectric नहीं, Q इक्वल टू CV होता है, यहाँ से value put कर दी, Q दिया है तो हमें CV की value आ गई है ना, माइक्रो में आएगी, डजेंट मैटर, यूनिट नहीं पुट कर रहे, बाद में इट विल गेट कैंसिल, माइक्रो विल गेट कैंसिल, सी वी आ गया। नेक्स्ट केस में जब हमने डायरेक्टली डाल दिया तो चार्ज क्यू डैश इंटू सी डैश, सी डैश की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बैटरी कनेक्टेड है इसलिए वी सेम चेंज नहीं हो रहा है। क्यू डैश कितना, पहले 50 था बाद में 100, तो 150, क्योंकि ये नेट कैपेसिटेंस लेंगे ना, फाइनल कैपेसिटेंस जो है तो उसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज चाहिए। तो के इंटू सी वी, सी वी की वैल्यू ऊपर से 50 पुट कर दी तो के 3 आएगा, टोटल चार्ज हमें 150 लेना पड़ेगा। चेंज ऑफ चार्ज नहीं, फिर चेंज ऑफ चार्ज लेंगे तो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा ऐसा, तब 100 ले सकते हैं ना, तो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस भी करना पड़ेगा। टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज से हमने निकाला। 53 पे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, सेपरेशन दिया है, फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी एंड वी दिए तो इतना आ गया, पॉजिटिव प्लेट पे प्लस रहेगा, नेगेटिव पे माइनस रहेगा। सेकेंड पार्ट देखेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, वेद फार्मूला, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वेद फार्मूला, वी इज इक्वल टू ई डी, तो वी दिया है, डी दिया है, ई आ गया 3000 वोल्ट पर मीटर। सी देखेंगे, डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm, इसका आधा गैप की आधी थिकनेस है, एंड कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप ऑक्यूपाइंग द लोअर हाफ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है पोजीशन में। फिर से फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, तो ये दो फार्मूला ही होता है डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, डी माइनस टी प्लस टी वाई के द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो ये इसमें सब वैल्यू पुट करके थिकनेस जो है हाफ ऑफ द डी है, मैंने इसमें क्या किया, वैल्यू 2 - 1 की जगह पहले हमने थोड़ा सा ऐसा कर लिया, ये डी 2 था, टी 1 था, तो इसलिए हाफ कर दिया मैंने इसको है ना, और यहाँ भी टी की वैल्यू, तो डी के टर्म्स में ले कर लिया पहले सारा, फिर डी की वैल्यू 2 पुट कर दी लास्ट में, देखो एप्सिलॉन नॉट ए, ये कैपेसिटेंस है, देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दिया ही हुआ है हमें, विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ 5, तो हमने इसको 5 पुट कर दिया, ये 5 नीचे 0.6 बच गया, तो सॉल्विंग में थोड़ा सा इजी हो गया। तो न्यू कैपेसिटेंस, तो एक्स्ट्रा चार्ज पूछा गया, व्हाट इज द हाउ मच मोर चार्ज, तो डेल्टा क्यू, तो Q2 - Q1, Q2 क्या हो जाएगा, सी डैश वी, बैटरी कनेक्टेड है इसलिए वी के चेंज नहीं होने वाला, सी डैश न्यू कैपेसिटेंस, और वी कॉमन ले लिया हमने बाहर, इनिशियल इज 5, तो वैल्यू पुट कर दी तो 20 माइक्रो कूलम। ऑल राइट, यू कैन सी द फुल सॉल्यूशन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
54th पे आएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज द प्लेट एरिया दिस मच, सेपरेशन दिस मच, ग्लास प्लेट ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 अप, थिकनेस 6, एंड एबोनाइट प्लेट ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4 आर इंसर्टेड वन ओवर द अदर टू फिल द कम्प्लीट गैप, है ना, फाइंड द न्यू कैपेसिटर। तो फार्मूला T1/K1+T2/K2 नीचे आ जाता है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए रहता, वैल्यू सारी दी, एक 6 थी तो दूसरी इसलिए नहीं दी थी बिकॉज टोटल उन्होंने सेपरेशन 1 दिया, तो माइनस कर देंगे तो इसलिए T2 जो है ये 6 है तो ये 4 रह जाएगा, 1 में मिली है, 10^-3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 44 पिकोफेरेट 10^-12। 55 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट एरिया दिस मच, सेपरेशन दिस मच, पोटेंशियल सब अप्लाइड इज 100 एंड डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 0.5 mm एंड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो एनर्जी निकालनी हाफ, मतलब अपने को हाफ C2V2² - ½C1V1² बैटरी कनेक्टेड है तो V तो चेंज होगा नहीं, तो C निकाल लेते हैं पहले, है ना, A दिया, D दिया, T दिया, V दिया, तो C निकाल लिया बिना डायलैक्ट्रिक स्लैब के, तो इतना आ गया इनिशियल एनर्जी निकाल ली हमने हाफ सी वी स्क्वायर से, इतनी आ गई। बाद में डायलैक्ट्रिक स्लैब डाले दो दो, तो ये फार्मूले से नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ये सब वैल्यू पुट कर दी हमने। यहाँ पे देखो एयर का, ये एयर के लिए तो K1 की वैल्यू 1 आएगी, अब एयर स्लैब समझ लो उसको, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आता है 5.85 × 10^-10। तो न्यू एनर्जी निकाल ली हाफ C-V² से, तो न्यू एनर्जी आ गई इतनी, तो इंक्रीज एनर्जी न्यू एनर्जी माइनस इनिशियल कितनी थी, ये 1.76, तो 1.165 माइक्रो जूल आ गए। फिर बी पार्ट में क्या कर रहे हैं उन्होंने, फिर से डायरेक्ट स्लैब बाहर किया, पहले डाला बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुके हैं शायद, यस डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी, वाई डज ओके, और इसको डायरेक्ट स्लैब को निकाला, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट स्लैब को निकाला, मतलब चार्जेस जो एक्स्ट्रा आ गए थे वापस नहीं जा पाएंगे, तो जो चार्जेस आ गए थे कितने फाइनल चार्जेस आ गए थे स्लैब डालने का वो निकाल सकते हैं। ये न्यू एनर्जी आ गई थी, न्यू चार्जेस, न्यू कैपेसिटेंस, इससे हमें न्यू चार्जेस मिल जाएंगे जो स्लैब डालने के बाद आ गए, इतना। फर्दर न्यू एनर्जी जब हम उसको डायलैक्ट्रिक को निकाल लेते हैं तो न्यू एनर्जी निकाल के देखते कितनी, U" जो चार्ज थे, चार्ज निकाल लिए हमने ऊपर वाले उससे, और सी अभी क्या हो गया, डायलैक्ट्रिक स्लैब निकल गया तो सी रह जाएगा, C- नहीं ले रहे हम, C- इज़ गॉन, तो सी बचा अभी, डायलैक्ट्रिक स्लैब इज़ गॉन तो सी रहेगा, यहाँ पे C- नहीं आएगा, बाकी देखो यहाँ पर न्यू एनर्जी, फर्दर न्यू एनर्जी, ये न्यू चार्जेस आ चुके थे सेकंड केस में, इसको सॉल्व कर रहे तो न्यू एनर्जी इज़ इतनी, देखो बढ़ती चली जा रही, पहले कितनी थी दिस मच, जब डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं था, डायलैक्ट्रिक स्लैब डाला और बैटरी को कनेक्टेड रखा तो इतनी एनर्जी बढ़ गई, और अभी बैटरी डिस्कनेक्ट करके स्लैब बाहर खींच लिया तो हमें जो कुछ वर्क करना पड़ेगा इसलिए बढ़ गई, है ना, तो अपना वर्क भी उसमें स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो पूछा है, और चेंज ऑफ एनर्जी माइनस करके निकाल ली, नियरली 1.95 माइक्रो जूल एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी पूछा है कि क्यों, व्हाट इज़ द थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, वाई डज द एनर्जी इंक्रीजेज इन इंसर्टिंग द स्लैब एज वेल एज टेकिंग आउट, तो इसको फार्मूले से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट केस में स्लैब डाला तो मोर कैपेसिटेंस हो गया, वी कांस्टेंट था उस समय, उसमें हमने हाफ सी वी स्क्वायर वाला फार्मूला, C- बढ़ गया था फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या हुआ कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी, अभी चार्ज वापस जा नहीं पाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे देखो U" हमने क्या लिखा था,
तो सी डिक्रीज हुआ, पहले जब डायलैक्ट्रिक स्लैब था तो ज़्यादा था, अभी कम हो गया तो ये बढ़ गई। डायलैक्ट्रिक स्लैब निकालने से सी कम हो गया, चार्ज कांस्टेंट रहा, दिस इज कांस्टेंट, मतलब बैटरी से जो आ गया था उसके बाद वापस नहीं जा पाया, ये कांस्टेंट हो गया था, तो सी घटा तो एनर्जी बढ़ गई। इन ओल्ड बुक्स ए एंड बी पार्ट का आंसर रॉन्ग है, ओल्ड बुक्स जो है, अभी न्यू प्रिंट में इट्स ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर शोन इन द फिगर, प्लेट एरियाज आर ए, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, डिफरेंट डायलैक्ट्रिक स्लैब इज इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फिगर आर ऑफ द सेम थिकनेस एंड एंटायर गैप बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड फुली। देखो यहाँ पे कनेक्शंस हैं ऐसे, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें भी जाएगा, तो ये सीरीज़ में हो जाएगा, ये अलग केस, दो कैपेसिटर सीरीज़ में ऐसे चार्ज फ्लो होगा, तो इसमें के वन, ऊपर वाले में के वन है, नीचे वाले में के टू है, ठीक है, आधा आधा फिल किया, डी बाई टू गैप डिवाइड हो जाएगा, तो दो कैपेसिटर लिखेंगे, सी वन लिख लेंगे पहले ऊपर वाले का, के वन एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू, तो ये आ जाएगा, इसमें टू ऊपर आ गया, देखो टू आ गया, सिमिलरली सेकेंड वाला कैपेसिटर लिख देंगे इसी लाइन्स पर, दोनों सीरीज में है, सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा सी वन सी टू अपन सी वन प्लस सी टू, वैल्यूज पुट करके कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेंगे ये बचेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक। सेकंड केस देखते हैं अभी, इसमें ऐसे, इसमें भी अच्छा, इसमें तीन हो जाएंगे, तीन पार्ट में हो गया, तो इसमें से डी बाई थ्री हुआ तो थ्री ऊपर आ गया, ऐसे बाकी दोनों भी, तो इसमें सीरीज़ में फार्मूला लगाओ, कॉमन ले लो टर्म्स, फिर इनको एलसीएम ले लो और पलट दो बाद में, ये ऐसे आ जाएगा, सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे अभी हम लोग, सी, सी में देखो दो कैपेसिटर बनेंगे, ये सी वन और ये सी टू, दोनों की मेटल प्लेट एक साथ है, नीचे की एक साथ है, तो ये पैरेलल में हो जाते हैं, यहाँ से डायग्राम देखो ये ऐसे रहेंगे, ये प्लेट एक साथ है, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, ये वाली प्लेट एक साथ है, तो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल इक्वल लेने वाले, यहाँ पे जब बैटरी लगेगी सेम पोटेंशियल रहेगा, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे दोनों पे पोटेंशियल सेम है, दे आर इन पैरेलल, पैरेलल में सी वन सी टू, और एरिया डिवाइड हो गया इसमें, तो ए बाई टू लिखेंगे दोनों में, आधा आधा एरिया, आधा इसको मिला आधा इसको एरिया मिला, ये प्लेट्स का एरिया, प्लेट ऐसे रहती आधी इधर गई आधी में ऐसे, ए बाई टू ए बाई टू, बस सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें इंक्लाइंड स्लैब्स है, वेज शेप के स्लैब है, तो उसमें बट है ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड, यहाँ पे ये मेटल प्लेट है, यहाँ पे बैटरी लगेगी, यहाँ पे छोटा सा पहले कैपेसिटर ले लेंगे ऐसा, यहाँ पे देखो ये तो दोनों सीरीज में रहने वाले, देखो यहाँ से हमने क्या किया, छोटा सा थिन कैपेसिटर लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल कंडीशन है, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें जाएगा, यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें होते हुए इसमें जाएगा ऐसे, तो ये दोनों कैपेसिटर इसके क्यों लेने, देखो ये इसके बस इसमें क्या किया ऐसा स्लैब ऐसे डाला है, तो सीरीज़ में है दोनों, ये वाला और ये वाला, ये सी वन हो जाएगा ऊपर वाला बिकॉज के वन दिया, इसकी वैल्यू लिख देंगे, नीचे वाले में के टू है तो ये इसको सी टू ले लेंगे। अभी देखो ये वाले का कितना होगा, देखो ये जो है इसका एरिया, ये यहाँ से दिख रहा है हमें एरिया ए और ये थिकनेस डी एक्स है, नहीं ये इसकी लेंथ और ये थिकनेस, तो इसका एरिया ए इंटू डी एक्स हो जाएगा, के वन एप्सिलॉन नॉट डायलैक्ट्रिक स्लैब के वन है इसमें, नीचे देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस डी है, नीचे से हमने y ली है तो ऊपर वाली d माइनस वाई हो जाएगी, है ना, ये डिस्टेंस जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे थी आधी आधी थी d बाई टू, अभी हमारी नीचे से y है तो ऊपर से d माइनस वाई हो जाएगी, देखो ये वाली, ठीक है, तो ये हो गई, सॉरी
तो ये वाले डिस्टर सी टू नीचे वाला कैपेसिटर, नीचे वाले में के टू है, के टू आएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एरिया इसका भी ये वाला एरिया देखेंगे ए डी एक्स डिवाइड बाई वाई, ये इतना डिस्टेंस वाई है। दोनों सीरीज में सीरीज़ का फार्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दी, ऊपर से कुछ टर्म्स चले जाएंगे और ये नीचे वाले टर्म्स कॉमन ले जाएंगे, कॉमन लेने के बाद हमें ये सब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो y है, ये और सिंप्लीफाई कर लिया, ये y वाले टर्म दो थे तो कॉमन ले लिया, तो ये इतना आ गया। अभी y ऊपर dx है, नीचे y है, तो इनको y को dx, y को x के टर्म में लेना है, तो यहाँ से देखो tan थीटा d अपॉन a, ये a विच इज़ इक्वल टू y बाई x, tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन a विच इज़ इक्वल टू y बाई x, तो यहाँ से y की वैल्यू ये आ गई, x d अपॉन a, ये वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे हम यहाँ पर, इसमें ये रिलेशन ये वाला इधर आ गया। बस अभी ये थोड़ा सा और इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे कुछ a वगैरह बाहर आ गया, LCM लिया तो ये यहाँ आएगा, तो इसको बाहर निकाल दिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये LCM लेने से एक ए यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये फाइनली आ गया अपने पास, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे इधर भी इधर भी, क्योंकि हमने इसका लिया ना इतने का, तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए लिमिट जीरो से लेकर एल ए तक, ये ए है तो लिमिट जीरो से लेकर ए तक, तो ये तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अभी ये देखो ये ऐसी सिचुएशन है, ये इसका इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ये लॉग आता है इसका, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो आगे नीचे आ जाता है और ये पूरा लॉग लॉग एक्स के टर्म ऐसा आ जाता है, तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन का याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ये सब कांस्टेंट है और ये एक्स का कोएफिशिएंट ये है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे बी था तो बी डिनोमिनेटर में आ गया, बाकी एज इट इज़ लॉग है ना, ये तुम्हारा एल एन अंदर एज इट इज़, अपर लिमिट जब ए लगाएंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा पूरा, लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस के बाद ये आ जाएगा, तो लॉग ए माइनस बी इज़ लॉग ए अपॉन बी, तो ये वाला टर्म जो है माइनस वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये है ना ऐसे है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, ठीक है लॉग ए बाई बी होता है, इसमें टर्म थोड़े लंबे हैं, फार्मूले वही हैं, ठीक है। तो बस अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये ए डी ए डी ए डी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ठीक है ये और ये, और के टू यहाँ से चला गया, के वन बचा ऊपर, नीचे के टू है ये वाला, बाहर के टर्म्स है एज से एप्सिलॉन नॉट के वन के टू ए स्क्वायर अपॉन डी है ना, और यहाँ पर K2 है, यहाँ फिर से लिखता हूँ मैं थोड़ा क्लियर करके, K1 बाई K2 ऑल राइट, तो ये फाइनल आंसर है, यू कैन जस्ट सी फुल आंसर। बाप रे, ओके आई एम शोइंग, ठीक है एक मिनट, ऐसे भी नहीं वो ऐसे देख लो थोड़ा स्नैपशॉट वगैरह, ओके चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, पहले इतना देख लो, देन इतना, देन फाइनल, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं 58,
figure shows two identical capacitors connected to the battery through the switches. Initially the switch is closed. ये वाला पहले बंद है, दोनों पैरेलल में होंगे, फिर दोनों चार्ज हो जाएंगे, है ना। उसके बाद स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आर फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ 3। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल टोटल एनर्जी टू द फाइनल टोटल एनर्जी। पहले ये स्विच बंद है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों पैरेलल में सी वी स्क्वायर। बाद में जब हमने स्विच ओपन कर दिया डायलेक्ट्रिक, इसमें जब डालेंगे तो ये के टाइम्स होता है पोटेंशियल, इसके साथ बैटरी अभी भी कनेक्टेड है इसके साथ, इसको पूरा वी वोल्ट मिलेगा। यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया बैटरी तो ये तो के टाइम्स हो जाएगा और पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो जाता है जब हम डायलेक्ट्रिक डालते हैं और बैटरी निकाल देते हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज बाई 1/k। तो इसको कॉमन ले लिए टर्म्स, डिवाइड कर देंगे U1 U1, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और ये वाले टर्म्स, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा के स्क्वायर प्लस 1 नीचे रह जाएगा, के ऊपर आ जाएगा, ये 2 भी है, यहाँ पे देखो 1/k है, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। के की वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं, 3 दिए तो 3 पुट कर दिए, 3/5 आ जाएगा। तो यू कैन सी दिस सॉल्यूशन पूरा दिख रहा है 58 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 59 देखेंगे अभी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ वी, देन बैटरी डिसकनेक्टेड, पहले चार्ज कर लिया फिर बैटरी डिसकनेक्ट कर ली। स्लैब ऑफ द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज देन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सो दैट इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में क्या है, डायलेक्ट्रिक क्यू तो बैटरी डिसकनेक्ट हो गई थी तो चार्ज तो ना तो आ सकता ना जा सकता, बट के टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस, इंसर्ट किया ना देखो, और इनिशियली नहीं था तो ये कॉमन ले लेंगे टर्म्स, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी कॉमन ले लिया, इधर बचा 1/k-1 तो ऐसे रहने दो, और इसमें क्या क्या क्यू इक्वल टू सी वी डाला है ना, क्यू इक्वल टू सी वी होगा तो इसमें से सी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, यू कैन सी इट। क्यों इनिशियली जो था, इनिशियली जो चार्ज आ गया था वही है, बाद में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। इनिशियली जब हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था तो सी भी था, सी की वैल्यू बाद में पुट की, सी नहीं दिया ए एंड डी दिया उसके टर्म में बाद में पुट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे अभी। कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। क्यू इज इक्वल टू सी वी, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ओके द चार्जिंग बैटरी डिसकनेक्टेड एंड डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इतना ही इंसर्टेड 2.5, तो कैलकुलेट द न्यू पोटेंशियल, मैंने बताया ना न्यू पोटेंशियल जो है वी डैश विल बी क्यू बाई सी डैश, बैटरी डिसकनेक्ट हो गई ना, चार्ज तो आ नहीं पाएगा ना जा पाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है तो के और क्यू बाई सी इज वी। अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने बोला ना 1/k टाइम कर दो, तो यहाँ पे देखो हमने प्रूफ भी कर दिया, तो वी 50 के 2.5 है तो न्यू वोल्टेज 20 वोल्ट, पहले 50 था अभी 20 रह जाएगा डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से, ठीक है। व्हाट चार्ज वुड हैव प्रोड्यूस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इन एब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब, अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो कितना चार्ज इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता, तो क्यू डैश इज इक्वल टू सी वी डैश, वी डैश जो है कितना इतना दिया वो इसलिए पुट के, तो सी जो है जब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो कैपेसिटेंस सी रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट इतना चार्ज, दिस चार्ज will produce the potential difference of 20 in case of no dielectric slab।
फोर्थ में फाइंड द चार्ज इंड्यूस, चार्ज इंड्यूस का फार्मूला होता है क्यू, क्यू इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स, वन माइनस वन बाई के, प्लेट्स पे चार्ज हमने निकाला था ये वाला देखो, वन माइनस वन बाई के की वैल्यू दी है, जब सिम्प्लीफाई करेंगे 3 मिली कूलम आ जाएगा ये इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेट। All right, this much only. Will next class we will see the further question. Thank you very much. Keep working hard. All the best. God bless you.